नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। भारत और श्रीलंका टेस्ट सीरीज खत्म हो गई है और अब टीम इंडिया जून से पहले कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलेगी। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, अब वक्त है इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का। दो नई टीमों और नए फॉर्मेट के साथ नए सीजन की शुरुआत 26 मार्च से होगी। दो महीने से ज्यादा वक्त चलने वाले इस सीजन में सिर्फ फॉर्मेट और टीमों की शक्लो सूरत में ही बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि कुछ नियमों में भी बदलाव हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नए सीजन को और बेहतर बनाने के लिए डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी कि DRS की संख्या अब और बढ़ा दी है। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मैच ना हो पाने की स्थिति में नतीजे का फैसला कैसे होगा, इसकी भी विस्तृत जानकारी दी है। जी हां, IPL 2022 की शुरुआत होने में अब सिर्फ दो हफ्ते से भी कम समय बाकी है। 26 मार्च से IPL के 15वें सीजन की शुरुआत होने वाली है। इस साल का IPL कई मायनों में नया होने वाला है। टीमों की संख्या 8 से 10 हो गई है, इसलिए इस साल लीग फेज के मैचों के लिए टीमों को 5-5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इसके साथ ही अब BCCI ने IPL 2022 को लेकर कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ने 14 मार्च को IPL 2022 में होने वाले बदलाव को लेकर सूचना जारी की है। BCCI के मुताबिक अगर किसी टीम के पास कोरोना के चलते खिलाड़ियों की उपलब्धता नहीं है तो मैच को रीशेड्यूल करने का प्रयास किया जाएगा। अगर बाद में भी मैच नहीं हो पाता है तो फिर मामले को तकनीकी समिति के पास भेज दिया जाएगा। इसके बाद तकनीकी समिति के द्वारा लिए गए निर्णय को मानना सभी के लिए बाध्यकारी होगा। आपको बता दें कि BCCI इस टूर्नामेंट का आयोजन पूरी तरह से भारत में ही कर रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति में सुधार के बावजूद किसी तरह का खतरा मोल न लेते हुए बोर्ड ने महाराष्ट्र मतलब मुंबई और पुणे में भी टूर्नामेंट के लीग स्टेज के 70 मुकाबलों के लिए आयोजन का फैसला किया है। वहीं प्लेऑफ और फाइनल के 4 मैचों का जो वेन्यू होता है अभी तक वो तय नहीं हुआ है, लेकिन जो तय है वो है नियमों में कुछ बदलाव जिन्हें टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने सभी टीमों को प्लेइंग कंडीशंस यानी कि खेल की परिस्थिति, इसमें सबसे अहम है कोरोना के कारण टीम के मैच के लिए ना उतर पाने की स्थिति। और अब BCCI ने इस बड़े फैसले पर एक बड़ा बदलाव किया है। इसके मुताबिक अगर कोरोना के कारण मैच के लिए 12 खिलाड़ियों जिसमें 7 भारतीय हों और एक सब्स्टिट्यूट के साथ कोई टीम उतर पाने में असमर्थ होती है तो BCCI अपने विवेकानुसार सीजन के बीच में मैच को दोबारा ऑर्गेनाइज करने की और आयोजित करने का प्रयास करेगी। और अगर ये भी संभव नहीं होता है तो इस मामले को IPL टेक्निकल कमेटी को भेजा जाएगा जिसका फैसला अंतिम और मान्य होगा। ये बदलाव इसलिए अहम है क्योंकि पहले कोरोना के कारण ऐसी स्थिति बनने पर और मैच का दोबारा आयोजन संभव ना हो पाने की स्थिति में उस टीम को हारा हुआ माना जाता है और विरोधी को 2 पॉइंट मिल जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके साथ साथ और BCCI ने क्या क्या बदलाव किए हैं। इसके अलावा DRS को लेकर भी बदलाव किया गया है। अब हर पारी में टीमों को एक के बजाय 2 रिव्यू मिलेंगे। वहीं BCCI ने मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की ओर से हाल ही में कैच के नियम में बदलाव को लागू करने का भी फैसला किया है। इसके तहत अगर कोई भी बल्लेबाज कैच आउट होता है तो स्ट्राइक बदली हुई नहीं मानी जाएगी और नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक पर आएगा। हालांकि अगर कैच ओवर की आखिरी गेंद पर होता है तो स्ट्राइक बदली जाएगी। इतना ही नहीं, अब प्लेऑफ और फाइनल में टाई ब्रेकर को लेकर भी नियम बदल दिया गया है। अगर किसी प्लेऑफ या फाइनल मुकाबले में मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर नहीं हो पाता है या फिर एक सुपर ओवर के बाद जरूरत पड़ने पर अगला सुपर ओवर नहीं हो पाता है तो विजेता का जो नाम होगा तो विजेता का फैसला लीग स्टेज में दोनों टीमों के स्थान के आधार पर किया जाएगा। जो टीम लीग स्टेज में विरोधी से ऊपर रही होगी उसे ही विनर माना जाएगा। तो दोस्तों, ये सारे बदलाव BCCI ने अब कर दिए हैं। आपको इन बदलावों में जो चेंजेस हुए हैं उससे क्या आपको लगता है, आपकी क्या राय है वो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल NN Bollywood को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।